वीडियो में हम बात करेंगे मूल्य का विरोधाभास, जिसको हीरा पानी विरोधाभास भी कहते हैं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि जिन चीज़ों की उपयोगिता ज़्यादा है उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और जिसकी उपयोगिता कम है उसकी कीमत भी कम होगी। आप सिंपल शब्दों में कहें तो जो चीज़ की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी है, आमतौर पर यही देखा जाता है कि उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जिससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होती है, डेफिनेटली उसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन ऐसा जो नियम है ये पानी पर और हीरे पर लागू नहीं होता, क्योंकि हीरा जिसकी की उपयोगिता ना के बराबर है उसकी कीमत बहुत ऊंची है, जबकि जो पानी है जिसकी उपयोगिता हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन सब की बात करें तो उन पानी की कीमत बहुत ही कम होती है। यानी कि वो इस बात का इसी जो ये जो कन्फ्लिक्ट है उसी को बोलते हैं बच्चों हीरा पानी विरोधाभास या मूल्य का विरोधाभास। यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार वस्तु की जो कीमत है उसकी उपयोगिता तय करती है, यानी कि जिस भी चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और जिसकी उपयोगिता कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन वो इस बात का आंसर नहीं दे पाए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हीरा जिसकी उपयोगिता बहुत कम है उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, जबकि पानी जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है उसकी कीमत बहुत कम है। तो केवल इसी चीज़ को हम कहते हैं मूल्य का विरोधाभास या हीरा पानी विरोधाभास। एडम स्मिथ ने केवल इतना कह के छोड़ दिया, उन्होंने बताया प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, यानी कि प्रयोग मूल्य जो है पानी का वो ज़्यादा है जबकि हीरे का विनिमय मूल्य ज़्यादा है। लेकिन अभी भी इस बात से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि आखिरकार हीरे की कीमत ऊंची क्यों होती है, तो इस और पानी की कीमत इतनी नीची क्यों है जबकि पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आंसर देने का काम जो है वो नवप्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने किया, और उसका आधार जो उन्होंने बताया वो सीमांत उपयोगिता नियम बताया। तो बच्चों सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर हम ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमने यूजी पीजी यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के जो कोर्सेज हैं वो हमने बनाए हुए हैं। आपको ये सारे के सारे कोर्सेज हमारी ऐप में मिलेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी डेमो वीडियो देखनी है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आप हमारी काफ़ी सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियो का हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी तमाम तरीके की कोर्सेज की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हमने ऑलरेडी सीमांत उपयोगिता हास नियम बताया है, जो बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। यानी कि पानी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पानी की सीमांत उपयोगिता कम है। यानी कि हीरा जो है वो क्योंकि दुर्लभ है, सीमित है, अपर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए हीरा महंगा है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत उसकी कुल उपयोगिता डिसाइड नहीं करती है बल्कि सीमांत उपयोगिता डिसाइड करती है। इस बात को आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो यहां पर बच्चों मैं आपको यह बता देता हूं कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो वस्तु की कीमत से मतलब कीमत और सीमांत उपयोगिता के बेस पर प्राइस डिसाइड होती है। यानी कि हीरे की जो मात्रा है वो सीमित है, इसीलिए उसकी जो कीमत है वो कम, इसीलिए उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है और कीमत कम है। और पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से ही इसकी जो सीमांत उपयोगिता है कम है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होगी। तो डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों, यहां पर हमने आपको पानी का डायग्राम बना देते हैं और यहां पे हम हीरे का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसलिए उसका सप्लाई क्रम हम इस तरीके का बना लेते हैं, और हीरा दुर्लभ है इसलिए उसका डायग्राम हम इस तरीके का बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसी की वजह से जो डिमांड है, मान लीजिए ये डिमांड इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिमांड इंटरसेक्ट करने की वजह से इसका प्राइस देखिए ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम है, जबकि इसका प्राइस जो है वो कम है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। यानी कि हीरा जो है वो इसलिए महंगा हुआ बच्चों, हीरा इसलिए महंगा हुआ क्योंकि हीरे की सप्लाई कम है। अगर हीरा जितना कम सप्लाई, इसकी भी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए हीरा जो है वो
ऐसे ही मिलना शुरू हो जाए, जमीन के अंदर खोदो और हीरे हीरे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हीरा सस्ता मिलेगा। अब पानी की बात करें, अभी देखिए खबर आई कि अफगानिस्तान में जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है, वहां पर एक एक पानी की बोतल 3,000-3,000 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब पानी भी 3,000 रुपये का हो सकता है अगर पानी दुर्लभ हो जाए तो। बच्चों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आप सभी पानी को बचाइए क्योंकि पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम सभी को पानी की बचत भी करनी चाहिए। तो ये है बच्चों हीरे और पानी का विरोधाभास, जो कि आपने समझा। तो बच्चों साइड स्क्रीन पे आप एक न्यूमेरिक एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है, कम होती है, शून्य होती है, उपयुक्त सभी संभव हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जिससे कि मैं आप देख सकूं कि आपको वीडियो के माध्यम से क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।